दोस्तों तो एक तीन बच्चे हैं, अपना नाम बताएंगे। सबसे पहले आपका नाम बताओ। रिया नैनवाल। याचित नैनवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। एक छोटा सा कंपटीशन बच्चों का मन रखने के लिए कर रहा हूँ, जिसमें तीन बच्चों को तीन बिस्किट के पैकेट दिए। देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले बिस्किट खाता है। जरूर देखिए, अपने बच्चे से भी कराइए ताकि वो प्रोटीन से युक्त बिस्किट जरूर खाए। तो देखिए भावेश नैनवाल, तो रिया अर्चित और भावेश इनके बीच में कंपटीशन है। इनको एक एक बिस्किट का पैकेट दिया जो इनको खुद फाड़ना है और खुद खाना है। जो बच्चा इस बिस्किट को पहले खा देगा, इसके बाद उसको गिफ्ट के तौर पर एक छोटी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आपका स्टार्ट होता है कंपटीशन। अब 1 2 3 स्टार्ट। देखते हैं इन बच्चों में कौन पहले बिस्किट खाता है। और पूरे बिस्किट पूरा खाना खाना नहीं है, आपके जवाब दिया है, कोई बात नहीं, उठा के खाएगा बाद में। और आराम आराम से खा, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम तीनों ही हो, कोई वो नहीं है। और कुछ बोलते भी जाओ कि बिस्किट कैसा लग रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? और अगर पानी की प्यास लग जाएगी तो पानी पीने चले आएगा। लेकिन देखते हैं इसमें बिस्किट कितने हैं टोटल, गंदे की तुम्हें साफ करनी है इसके बाद। ठीक है, कुछ बोलते भी रहना, आपको कल छुट्टी है ना, कुछ बोलते जाओ। अच्छा लग रहा है? अभी रिया ने कितने बिस्किट खा दिए हैं? भावेश ने 2 बिस्किट खा दिए हैं, अर्चित अभी एक खा रहा है, इसने गिरा बहुत दिया है। मैं बोल रहा था कि गिराना मत, जो गिराएगा उसको सफाई भी करनी पड़ेगी। सफाई तीनों ही करेंगे अभी यहाँ पे। लेकिन उन्होंने कहा ये कूड़ा अभी डस्टबिन में डाल रही है, कूड़ा खा डालते डस्टबिन में डालते हैं। ठीक है, अभी देखिए मुझे कौन विनर हो सकता है। भावेश के पास बचे 4 बिस्किट, हर्षित के 4 बिस्किट तो टेबल में है, एक बिस्किट हर्षित के नीचे गिरा हुआ है। और रिया की कितने बचे? रिया खोल के रखा हमने, रिया के भी 3 बिस्किट बचे हुए हैं। देखते कौन बिस्किट पहले खत्म करता है, पूरे गले से निकल जाना चाहिए, उसके बाद ही हम मानेंगे। आपको कुछ बोलना भी है साथ साथ। जय श्री राम, बोल ले रहे हैं बच्चे कुछ ना कुछ। ठीक है, आज शनिवार का दिन भी है तो शनि भगवान का नाम लो, जय श्री शनि भगवान की बोलो। और साथ साथ यहाँ पे घंटी भी बज रही है, ये कंपटीशन हो रहा है। गर्म पानी खेलना नहीं था उत्तराखंड में, ये देखिए मंदिर। और देखते हैं बच्चों में कौन जीतता है। ऐसे बिस्किट्स अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते हैं तो आप उनके बीच में कंपटीशन करा के खाने की आदत डलवा सकते हैं। देखते हैं इनमें से कौन विनर होता है। लास्ट बिस्किट रिया ने अपने मुँह में डाल दिया है, और भावेश के मुँह में भी हर्षित के 2 बिस्किट तो टेबल यहाँ पे है। एक बिस्किट नीचे गिरा रही है, इसके नीचे वाला बिस्किट उठा के इसको दे दो। ये उम्र में छोटा है, आप सब अपनी उम्र बताइए। रिया की एज क्या है? रिया रिया तुम्हारी एज क्या है? रिया बोल नहीं पा रही यार। भावेश तुम्हारी उम्र क्या है? ये भी नहीं बोल रहा है। ये 8 ईयर की है, ये भी 8 ईयर का है। और हर्षित, हर्षित 2 साल छोटा है, इसलिए इसको छूट दी जा सकती थी लेकिन हमें छूट नहीं दी। और ये खाने में लगा है। और ये इनके चाचा आ चुके हैं, मनोज नैनवाल जी आ गए तुम्हें। ओके, क्या? और रिया नैनवाल इसके साथ इसकी विनर है, इसको इनाम के तौर पर एक फ्रूटी दी जाएगी। ये लो पियो, 5 रुपये और देता हूँ मैं अभी। और रिया विनर हो चुकी है। सेकंड देखते कौन आता है। सेकंड आया है भावेश, और अपना हीरो आया है छाए। अब यहाँ पे आ जाओ, बच्चों को बोलो कि रोटी खानी चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, बिस्किट खाना चाहिए। यहाँ पे आके बोलो इधर। विनर, हम विनर से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए बच्चों को। बिस्किट भी खाना चाहिए, अभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जल्दी। तीनों बोलो। अरे अभी मैंने पैसे देखे खरीद रखे, बोलो जल्दी। ये इनकी मम्मी आ चुकी है, ये इनको डांट रही है कि बिस्किट कितने वाले। हाँ, चैनल को लाइक करो, शेयर करो। हाँ बताओ, ये तो सब आई रहा है, ये डांट रही है इनको। हाँ लाइक करो, दोबारा देखा बोल दो प्यार से। हाय, जय हिंद, जय भारत। अभी ना रिया 5 नंबर, ताकि ना भावे तो था। अभी जो कूड़ा कराई खाना लेंगे हम डस्टबिन में डालेंगे ना। ठीक है, बाय।